दोस्तों, ये कहानी तीन दोस्तों की है जो व्यापार के हेतु उदयपुर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान पार करना पड़ता है। उनका ये सफर बड़ा ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्या वो इस रेगिस्तान में जिंदा बच पाते हैं? चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है बीकानेर की, जहाँ एक गांव में तीन दोस्तों की दुकानें थी। भीकू जो एक चित्रकार था, कालिया जो एक मूर्तिकार और मनी जो एक बुनकर था। तीनों की दुकानें अगल बगल में ही थी, इसीलिए ये तीनों अक्सर गप्पे लड़ाया करते थे। क्या बात है मनी, सुना है तेरी बिटिया कक्षा में पहली आई है। आखिर बिटिया किसकी है? अच्छा, उसकी आगे की पढ़ाई का कुछ सोचा है क्या? अगले साल से उसे दूसरे गाँव में पढ़ने जाना होगा ना। हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि पैसों का जुगाड़ कैसे करूँ। अरे फिकर मत कर, अगले महीने दिवाली आ रही है, तू ढेर सारा कपड़ा बुन दे, फिर देख कितनी अच्छी कमाई होती है। हाँ ये सही रहेगा, और बाकी हम है ही तेरे साथ। यारो, तुम दोनों का ही तो सहारा है। मनी ने कपड़े बुनने शुरू कर दिए, वो अब दिन रात कपड़े बुनता रहा। वहाँ भीकू ने भी तस्वीर बनाई और कालिया ने भी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। तीनों के तीनों अपने कामों में मशरूफ हो गए। 25 दिन बीत गए और अब भी तीनों की दुकान पर ग्राहक ना बराबर ही थे। ये देख मनी रोने लगा। मनी के रोने की आवाज सुन दोनों दोस्त उसके पास आए। मैंने इतनी मेहनत से इतना कपड़ा बुना और अब ग्राहक ही नहीं है इसे खरीदने को, मैं क्या करूं? रो मत पगले, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। क्यों ना हम ये कपड़े बेचने उदयपुर की मंडी में जाएं? उदयपुर की मंडी बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने में तो 5 दिन लग जाएंगे, और वो वीरान रेगिस्तान भी पार करना होगा, उसका क्या? मैं तैयार हूँ उदयपुर जाने को, कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे और मेरी बिटिया आगे पढ़ पाएगी। रेगिस्तान पार करने के लिए हम ढेर सारा खाना और पानी अपने साथ ले लेंगे। ठीक है, फिर कल सुबह ही निकलते हैं। तीनों दोस्तों ने बैलगाड़ी पर अपने घड़े लादे, फिर मनी ने अपना बुना हुआ कपड़ा लादा, भीकू ने अपना चित्र और कालिया ने अपनी मूर्तियां लादी, और अगले सूर्योदय के साथ तीनों दोस्त बैलगाड़ी में निकल पड़े। पहले सूर्यास्त के साथ तीनों दोस्त गांव की सीमा से बहुत दूर एक जंगल में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने खाना खाया और एक झील के किनारे सो गए। दूसरा दिन भी सुखमय था। उनका सफर सूर्योदय के साथ शुरू हुआ और सूर्यास्त के साथ खत्म। तीनों दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन तीसरे दिन के साथ उनकी समस्याएं शुरू हो गई, क्योंकि अब वो लोग वीरान रेगिस्तान में पहुंच चुके थे। सूरज की तपती किरणें उनकी ऊर्जा खींच रही थी। अब उन्होंने बैलगाड़ी छोड़कर ऊंट अपना लिए। आज की धूप ने तो जान ही ले ली, अब तो शुरुआत हुई है, 2 दिन और ऐसी ही कड़कती धूप में जलना है। लेकिन फिर हम उदयपुर में होंगे, वहाँ हमें अच्छा मुनाफा होगा और फिर मेरी बिटिया आगे पढ़ पाएगी। हाँ हाँ, बिटिया आगे जरूर पढ़ेगी। अगले दिन सूर्योदय के साथ उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया। जब सूरज सर पे था, तब कालिया के ऊंट का संतुलन डगमगाया, पानी से भरे सभी घड़े नीचे गिर गए और रेत ने सारा पानी सोख लिया। अरे रे, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे, सारा पानी लुप्त हो गया। तुम लोग फिकर मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन रेगिस्तान में हमें पानी कैसे मिलेगा, हम इस वीरान रेगिस्तान में मर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो और आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तीनों दोस्त बिना पानी के उस कड़कती धूप में चलते रहे। सुबह से शाम हो गई। मुझे नहीं लगता हम जिंदा उदयपुर में पहुंचेंगे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी भीकू की नजर वहाँ पास में उगी घास पर पड़ी। घास, वो देखो घास। तू तो ऐसे बोल रहा है मानो वो घास नहीं बल्कि एक तालाब हो, वही समझ लो। ये क्या कह रहे हो? मतलब ये कि घास वही उगती है जहाँ पानी होता है, मतलब घास के नीचे जरूर पानी होगा। अब चलो मेरे साथ। तीनों दोस्तों ने घास के आसपास खोदना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए, अब तीनों दोस्त हाँफ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी होगा। नहीं, मुझे यकीन है कि पानी यही होगा। भीकू को छोड़कर दोनों दोस्त रुक गए, लेकिन भीकू वही खोदते रहा। कई घंटे बीत गए, भीकू बिना रुके खोदता ही रहा। आखिरकार उसे पानी मिल ही।
मिल गया। देखो यारो, पानी, पानी मिल गया। तीनों दोस्तों ने अपनी प्यास बुझाई और सारे घड़े भी भर लिए। ऊंटों ने भी मन भर कर पानी पिया और फिर अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपना सफर जारी रखा। एक पूरा दिन रेगिस्तान में सफर करने के बाद वो लोग उदयपुर पहुँचे। उदयपुर पहुंचकर मनी ने अपना सारा बुना हुआ कपड़ा एक व्यापारी को बेच दिया और उसे बहुत अच्छे दाम भी मिले। कालिया और भीकू का भी सारा सामान बिक गया। अब मेरी बिटिया जरूर पढ़ेगी। और यारो, ये सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते। अच्छा चलो वापस लौटने की तैयारी करते हैं। तीनों दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उनके परिश्रम सफल हुए। इसलिए कहते हैं कि अगर मेहनत की जाए तो रेगिस्तान से भी पानी निकाल सकते हैं। और हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखा दोस्तों, भीकू, मनी और कालिया कितने अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती, मेहनत और काम के प्रति चाहत ही उन्हें उस रेगिस्तान में जिंदा रख पाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत साल पुरानी बात है, प्राचीन इजिप्ट में अब्दुल्ला नाम का एक बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी था। अब्दुल्ला बहुत ही अमीर था और साथ ही नेक और रहम दिल था। अब्दुल्ला के उस शहर में लगभग 5 दुकानें थी। इतना कुछ होते हुए भी अब्दुल्ला कभी कभी बड़ा उदास रहता था क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा साधु, मौलवी और महंतों की सेवा करता, गरीबों में कपड़े बांटता और दुआ करता कि उसे एक बेटा नसीब हो। आखिर भगवान ने उसकी सुन ली और जल्द ही उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब्दुल्ला ने बड़े प्यार से उसका नाम सुल्तान रखा। एक दिन अब्दुल्ला ने एक ज्योतिष को घर बुलाया। ज्योतिष ने बच्चे की कुंडली देखी और कहा, ये लड़का शूर है, लेकिन जब ये 16 साल का हो जाएगा तब उस पर बहुत बड़ा संकट आएगा जिससे उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी हो जाएगा। मेरा बेटा शूरवीर है ना, यही काफी है। वो खुद ही उन संकटों से और आपदाओं से जूझ लेगा। कुछ सालों बाद सुल्तान 16 साल का हो गया। अब्दुल्ला के बहुत समझाने पर भी सुल्तान दुकान पर ध्यान न देता। उसका सारा ध्यान खेल कूद में ही लगा रहता था। अब्दुल्ला को अपने बेटे की बहुत चिंता होती। उसी चिंता ने उसे घेर लिया और वो बहुत बीमार पड़ गया और इसी बीमारी में उसकी मौत हो गई। सुल्तान को व्यापार की कोई समझ ना थी, इसी वजह से जल्द ही उनका दिवाला निकल पड़ा। जल्द ही उसे अपनी 5 दुकानें बंद करनी पड़ी। अब उसके पास उनका बड़ा सा मकान ही बचा हुआ था जिसमें वो और उसकी माँ रहती थी। एक दिन रात के समय जब सुल्तान सो रहा था, एक वृद्ध सन्यासी उसके सपनों में आया। सुल्तान बेटा, उठो। आप कौन हो? घबराओ मत, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह उठकर ईरान देश के लिए निकल पड़ना, वहाँ तुम्हारा नसीब झकमगा उठेगा। इतना कहते ही वो सन्यासी गायब हो गया। सुल्तान नींद से जाग गया और उसने वो बात अपने माँ को बताई। बेटा, सपने कभी सच नहीं होते, उन पर विश्वास कैसे किया जाए? लेकिन माँ, मुझे ये सपना सच लग रहा है और जो सन्यासी मेरे सपनों में आया था वो भी बड़ा शक्तिशाली लग रहा था। मुझे लगता है कि मुझे ईरान देश जाना चाहिए। और इस तरह अपने माँ की बात ना सुनकर सुल्तान ईरान देश आ पहुँचा। बड़ी दूर की यात्रा होने के कारण वो बहुत थक गया था, उसे जल्द ही नींद आ गई। सपने में फिर से वही सन्यासी उसके सामने आया। सुल्तान बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुमने साहस है कि तुम ये इतनी मुश्किल यात्रा कर पाओ। अब वापस अपने घर चले जाओ, वहीं पे तुम्हें धन का लाभ होगा। जैसे ही सुल्तान की नींद खुली वो अपने आप को कोसने लगा। मैं तो गधा ही हूँ, माँ की बात ना मानकर मैंने बड़ी गलती की है। मेरा नसीब है कि मैंने ये बात और किसी को नहीं बताई, वरना सभी मुझ पर हंस पड़ते कि मैंने एक सपने को ही सच मान लिया। सुल्तान अपने घर पहुँचा, उसने सारी बात अपने माँ को बताई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अगर तुम्हारे नसीब में धन है तो वो तुम्हें यहीं पर मिलेगा। अब आगे सोच कर काम करना। सुल्तान ने अपने माँ की बात मान ली, लेकिन उसी रात फिर वही सन्यासी उसके सपनों में आया। सुल्तान, तुम्हारे नसीब खुलने का समय आ चुका है,
कल सुबह उठकर अपने पिताजी के कमरे में जाके तुम उस कमरे की खुदाई करना, वहाँ तुम्हें अपार धन का लाभ होगा। नींद खुलते ही सुल्तान भागते हुए अपने माँ के पास पहुँचा। उसकी सारी बात सुनकर माँ हंस पड़ी। क्या तुम्हें अभी भी इन सपनों पे विश्वास है? ठीक है, अब तुम अपने मन की तसल्ली कर ही लो। ईरान जाने से तो ये अच्छा है कि तुम मेरे पास तो रहोगे। सुल्तान ने उस कमरे की खुदाई शुरू की। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उसे लगने लगा कि उसने फिर से कोई बेवकूफी की है। इतना बड़ा पत्थर! जैसे ही उसने वो पत्थर हटाया, उसे अंदर जाती हुई कुछ सीढ़ियां नजर आई। माँ, यहाँ पे तो एक सुरंग है। माँ को ये सब देख बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो दोनों उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे उस कमरे में पहुँचे, इतना सारा सोना! हाँ? वो कैसी रोशनी है! जब वे दोनों उस कमरे में पहुँचे, उन्हें वहाँ पे 8 बड़ी मूर्तियाँ नजर आई। हाँ? इतनी सारी सोने की मूर्तियाँ, और इनमें तो हीरे जड़े हैं। माँ और सुल्तान दोनों को बड़ा आनंद हुआ, लेकिन तभी एक बात सुल्तान को नजर आई। माँ, यहाँ पे एक मूर्ति कम है। 8 मूर्तियाँ सोने की थाली पर खड़ी है, लेकिन जरा देखो, यहाँ पर एक थाली खाली है। उस थाली पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान उसे पढ़ने लगा। बधाई हो बेटा, ये 8 मूर्तियाँ और ये धन तुम्हारा है, लेकिन इन 8 मूर्तियों से भी ज्यादा मूल्यवान और बेहद सुंदर मूर्ति अगर तुम्हें हासिल करनी है तो तुम्हें बगदाद जाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा एक पुराना दोस्त मुबारक तुम्हें वो मूर्ति खोज निकालने के लिए मदद करेगा। सिर्फ वही एक आदमी है जो तुम्हें मदद कर सकता है। माँ, मुझे वो 9वीं मूर्ति हासिल करनी है, आप मुझे बगदाद जाने की इजाजत दीजिए। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी सुल्तान, तुम पर अल्लाह की मर्जी है, वो तुम्हें कामयाबी दे। इस तरह जहाज से सफर कर सुल्तान अब बगदाद आ पहुंचा। मुबारक बगदाद का एक नामचीन व्यापारी था, उसके मसालों की दुकान थी। जब सुल्तान ने मुबारक को सारी बात बताई, तब मुबारक ने सुल्तान को गले लगाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम बड़े ही होनहार और काबिल बेटे हो, मैं तुम्हें वो 9वीं मूर्ति ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। हम कल ही उस मूर्ति की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। दूसरे दिन ऊंटों पे सामान लाद के वो दोनों निकल पड़े। शहर से थोड़ा दूर जाते ही उन्हें एक जंगल लगा। अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। ऊंटों को वही छोड़ वे दोनों जंगल के अंदर घुस गए। जंगल बड़ा ही डरावना था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा लगी। हमें इस गुफा में से अंदर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो मशाल है उसको जलाओ। दोनों ने अपनी पोतड़ी में से मशाले निकाल कर उन्हें जलाया और उस रोशनी के सहारे वे आगे बढ़ने लगे। उस गुफा के अंदर एक तालाब था। तालाब के किनारे पर एक छोटी सी नाव बंधी हुई थी। अपनी मशाल बुझाओ और जब तक इस नाव में से हम ये तालाब पार नहीं करते, अपने मुंह में से एक भी शब्द मत निकालना, क्योंकि इस तालाब में पिशाच रहते हैं। अगर तुमने आवाज की तो वो तुम्हें निगल लेंगे। क्या है? वो राक्षसों के राजा का महल है। अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस हमें मार डालेंगे। फिर मुबारक कुछ मंत्र पुटपुटाने लगा और एक बड़ा सा घेरा उसने जमीन पर खींचा। हम दोनों को इस घेरे में ही रहना है। अब मैं फिर से मंत्र पढ़ूंगा। जैसे ही इन राक्षसों का राजा हमारे सामने आएगा और तुम्हारी मांग पूछेगा, तुम उससे वो 9वीं मूर्ति मांग लेना। लेकिन याद रखना, गलती से भी इस घेरे के बाहर कदम ना रखना, वरना तुम जल के राख हो जाओगे। ऐसा कहकर वो फिर से मंत्र पढ़ने लगा।
सुल्तान, आखिर तुम यहाँ तक आ ही पहुँचे। मैं ही वो वृद्ध सन्यासी हूँ जो तुम्हारे सपने में आता था। मैंने ही तुम्हारे पिताजी को भी मदद की थी और तुम्हें भी करना चाहूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी हाँ हुजूर, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, लेकिन वो नौवीं मूर्ति आप मुझे दिलवा दीजिए। जरूर जरूर, लेकिन उस नौवीं मूर्ति के बदले तुम्हें मेरे लिए एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की लानी पड़ेगी जिससे मैं शादी कर सकूं। लेकिन याद रखना, वो लड़की ना कि सिर्फ खूबसूरत होनी चाहिए बल्कि मन की सच्ची, दयालु और निष्कपट भी होनी चाहिए। हुजूर, मैं ऐसी लड़की तो ढूंढ लूं जो खूबसूरत है, मगर उसके दूसरे गुण मैं कैसे जान पाऊंगा? मुझे ये कैसे समझ आएगा कि वो मन की सच्ची और निष्कपट है? मैं तुम्हें एक आईना देता हूँ, जिसमें झांकते ही वो आईना हंसने लगे तो जान लेना कि वही लड़की निष्कपट और मन की सच्ची है। तुम उसे मेरे पास ले आना, उसमें गलती मत करना, वरना मैं तुम्हारा सारा धन छीन लूंगा। ऐसा कहकर एक बड़ा ही खूबसूरत सा आईना उसने सुल्तान को भेंट दे दिया। फिर मुबारक और सुल्तान नाव में से वापस आए। सुल्तान अब सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी लड़की उसे कहाँ मिलेगी। सुल्तान, तुम्हारी उलझन का हल मेरे पास है। बगदाद शहर में एक से बढ़कर एक बड़ी खूबसूरत लड़कियां है। हम ऐलान करके हमारे महल पर उन लड़कियों के लिए एक बड़ी दावत रखेंगे और एक एक कर उन सभी लड़कियों को उस आईने के सामने लाएंगे। शहर में ऐलान किया गया, इस शहर की तमाम नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को यह दावत दी जा रही है। हुजूरे आला मुबारक जी के पास एक बड़ा सा जादुई आईना है जो इन लड़कियों में से एक सबसे खूबसूरत लड़की को चुनेगा और फिर उसे 10,000 सोने के मोहरे इनाम दिए जाएंगे। अब शहर में बड़ी हलचल मच गई। सभी लड़कियां सज धज कर दावत के लिए आ पहुंची, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी होती, आईना जोर जोर से रोने लगता और लड़कियां शर्मा कर और घबरा कर वहाँ से भाग जाती। धीरे धीरे सभी लड़कियां महल में से मायूस होकर चली गई। ये आईना तो रोते ही जा रहा है। आईना हंस रहा है, ये कैसे हुआ? वो दोनों दौड़ते हुए उस कमरे में आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि उस घर के नौकरानी की लड़की उस आईने के सामने खड़ी है और उसे देख वो आईना जोर जोर से हंस रहा है। मुझे माफ कीजिए हुजूर, इस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं इस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि इस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं इस आईने के सामने आई, ये जोर जोर से हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? जुबेदा, मैं यहाँ की नौकरानी नफीजा की बेटी हूँ। सुल्तान बेटा, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो तो हमारे पास ही थी। घबराओ मत बेटी, हम तुम्हें इनाम देंगे। जुबेदा की माँ को बुलाकर उसे सारी बात समझाई गई। जुबेदा उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई, लेकिन जुबेदा को इस बात का पता न था कि वो उसे एक राक्षस को सौंपने वाले हैं। जुबेदा को साथ लेकर वो उस राक्षस की नगरी की तरफ जाने लगे, लेकिन सुल्तान को ये बात अब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी कि वो एक लड़की को अपने स्वार्थ के लिए एक राक्षस को सौंप रहा है। तुम बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हो। चाचा जान, ये लड़की बड़ी ही भोली और नेक है, क्या उसको राक्षस को सौंपना ठीक रहेगा? वो हमारी गुलाम है, हम उसे जरूर बेच सकते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं इस लड़की की बलि क्यों दूं? क्योंकि तुमने यही वचन उस राक्षस को दिया है। अपना वचन निभाओ, वरना वो राक्षस तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। और वो रोने लगा। जब जुबेदा को इस बात का पता चला, तब उसने सुल्तान को समझाया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और वो खुद उस राक्षस से शादी करने के लिए तैयार है। अब वो उस महल के पास आ पहुंचे। मुबारक ने मंत्र पढ़े, राक्षसों का राजा उनके सामने आ खड़ा हुआ।
सुल्तान, तुमने अपना वचन पूरा किया, मैं तुम पे बड़ा ही खुश हूँ। अब घर वापस जाओ, तुम्हें वो नौवीं सबसे मूल्यवान मूर्ति मिल जाएगी। सुल्तान ने जुबेदा को उस राक्षस को सौंपा। सुल्तान बड़ा ही मायूस होकर घर लौट आया। क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो? सुल्तान ने उसे सारी बात बताई। क्या तुम जुबेदा से प्यार करने लगे थे? हाँ, शायद, क्योंकि वो बड़ी ही नेक और मन की सच्ची थी। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बात हो सकती है। राक्षस ने कहा था कि वो नौवीं मूर्ति तुम्हें मिल जाएगी, तो अब हम नीचे जाके देखते हैं कि क्या उसने अपना वचन निभाया है। और अगर उसने अपना वचन निभाया होगा तो हम वो मूर्ति उसे वापस कर देंगे, और उसके बदले में हम उस लड़की को उससे छुड़ा लेंगे। सुल्तान को ये बात पसंद आई। वो दोनों नीचे उस कमरे में पहुँचे। मालिक, वो नौवीं मूर्ति मैं ही हूँ जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। जुबेदा को वहाँ पाकर सुल्तान को बड़ा हर्ष हुआ। तभी वो राक्षस वहाँ पे प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका रूप एक राक्षस की तरह विकराल और भयानक नहीं था। मैं यक्ष हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ। ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए। यही वो नौवीं मूर्ति है जो किसी सोने, हीरो या मोतियों से भी ज्यादा मूल्यवान है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करो और एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।